हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग बेटा सर्कल स्टार्ट करेंगे। क्विक रिवीजन है, ठीक है। एक ही बार में सर्कल की कुछ थ्योरी है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, प्लस जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चंस में क्या है कि जो आपके लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, लास्ट ईयर जो आपके पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस किए हैं, प्लस जो क्वेश्चंस इस बार बोर्ड में आ सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। व्हाट इज सर्किल? अ सर्किल इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिफरेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। एक जितने भी पॉइंट्स हैं प्लेन में और उसकी जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होती है एक फिक्स्ड पॉइंट से, है ना। और द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज रेडियस, है ना। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं और जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड, है ना। जो सर्कमफेरेंस होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है, अगर वहाँ पे कोई दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और इसमें आप एक ये भी बोल सकते हो, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो हमारी डायमीटर होती है, क्योंकि जो सेंटर से पास करेगा ऑब्वियस उसकी सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल है, ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है और ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर, और उसके साथ साथ ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम रेडियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? लाइन मीट्स अ सर्किल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्किल एट दैट पॉइंट, है ना। तो देखिए ये इस तरह टेंजेंट है, सर्कमफेरेंस पे एक ही पॉइंट पे एक टेंजेंट, ये जो लाइन ड्रॉ होती है जो सर्किल को टच करती हुई जाती है, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है टेंजेंट का और रेडियस का, वहाँ पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, इसको आप थ्योरम एज अ थ्योरम चाहे समझ लो या आप एज अ पॉइंट समझ लो, क्योंकि बेटा आपके इसी चैप्टर में यही चीज़ हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन में यूज होती है ना। जैसे देखिए अब ये एक टेंजेंट है, ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से जो रेडियस ड्रॉ होती है ये क्या करती है बेटा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट और रेडियस क्या होती है बेटा, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, के अब कितने टेंजेंट हम सर्किल में ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्किल। टेंजेंट होने की कंडीशन क्या होती है, सर्कमफेरेंस से टच करके जाना चाहिए। अगर अंदर होगा या टच नहीं करेगा तो उस केस में टेंजेंट नहीं बनाएगा। दूसरा होता है नॉट मोर देन वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, मतलब एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, है एक से ज्यादा टेंजेंट हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्किल, अगर कोई सर्किल बाहर होगा तो उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट हम सर्किल में दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट P है हमारा, इस P पॉइंट से एक टेंजेंट हमने AP ड्रॉ करी और एक टेंजेंट हमने PB ड्रॉ करी, ठीक है। तो ये हमारे बेटा ये तीन, अब अगर मान लीजिए आप कह दें कि ये दिस इज़ नॉट द टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट नहीं होगा, ये क्यों, अगर कोई पॉइंट अंदर है, मान लीजिए अंदर है यहाँ से गया तो वो टेंजेंट नहीं होगा, ये पॉइंट जो है इस पॉइंट से जा रही है टच करते हुए जा रही है तो वो हमारी टेंजेंट कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल क्या है, टू और मोर सर्कल हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। बेटा एक ही सेंटर से आपको ढेर सारे सर्कल्स बना दीजिए लेकिन उनके रेडियस डिफरेंट, मतलब रेडियस डिफरेंट होते हैं और एक ही सेंटर से काफ़ी सर्कल्स बनते हैं, उनको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, ये देखिए एक सर्कल ये ड्रॉ हुआ है, फिर उसके बाद ये ड्रॉ, एक ही सेंटर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल हमने ड्रॉ करिए, तो ये सारे क्या हैं बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल हैं। आगे बढ़ते हैं, अब नोट में देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। क्या है मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए कि ये सर्कल है और ये इसका एक टेंजेंट है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑब्वियस है ना, सेंटर से जाएगी, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। उसके बाद क्या, सर्किल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स, है ना। उसके अब देखिए दो ही हो सकते हैं पैरेलल टेंजेंट्स, या तो इधर आप ड्रॉ कर दो या इधर आप ड्रॉ कर दो, दो से ज़्यादा कोई पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकते। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन, अगर कोई भी दो
दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उस केस में बेटा देखिए क्या होता है, जो पी आर होता है वो पी क्यू के इक्वल होता है, फिगर एक हमारे पास आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो पी आर है, ये बेटा एक थ्योरम भी आती है प्रूफ करने के लिए। मान लीजिए आपको इस तरह का फिगर दे दिया गया, या फिगर नहीं भी दिया गया, कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस तरह की कोई आपके पास आ सकती है। तो बेटा इस केस में देखिए हमेशा क्या होता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल पी ओ आर, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, देखिए इसके लिए ये भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। ओ क्यू ओ आर के इक्वल होता है रेडियस ऑफ सर्किल, और एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ ओ आर पी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये रेडियस है, यहाँ से क्या करेगा बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और पी ओ जो होता है पी ओ के इक्वल होगा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अंदर जितने भी एंगल हैं, जो भी इनकी साइड है, सारी एंगल सारे साइड्स सी पी सी टी से इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों देखिए अगर है, अगर कोई भी हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उस केस में क्या होगा, जो पी आर होगा वो पी क्यू के इक्वल होगा, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ, और एंगल क्यू पी आर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यू पी आर ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर ये वाला एंगल, जो अपोजिट एंगल है, दोनों क्या होंगे, दोनों का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। अगला पॉइंट है द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, अब इस केस में देखिए जो होगा थीटा वन प्लस थीटा टू होगा वो 180 के इक्वल होगा, और थीटा थ्री प्लस थीटा फोर जो होगा वो आपका 180 के इक्वल होगा। तो यही चीज़ें, बस इतनी सी चीज़ें हमारी आगे चैप्टर्स में क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली हैं, है ना। आगे ये अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में सर्किल पढ़ा, व्हाट इज सर्किल, सर्किल क्या होता है, उसके बाद कुछ हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा कि भाई एक पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल है उस पॉइंट से हम दो मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, अगर कोई पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है तो वो टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ होगा, या सर्किल को टच करके नहीं जा रहा है तो टेंजेंट नहीं होगा। सर्कमफेरेंस से मैक्सिमम एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और टेंजेंट कब बनता है, जब वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रेडियस होते हैं और जो टेंजेंट होता है उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर होता है, रेडियस और आपका टेंजेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको मन में ध्यान में रखनी है, और इन्हीं सारी चीज़ों पे ही क्वेश्चंस आते हैं, और इनसे ही सारे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। ये अभी डिस्कस किया है कि भैया एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट से हम मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कब, जब पॉइंट बाहर हो, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा टू, तो फर्स्ट का ऑप्शन है आपका बेटा ए। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है इफ टू पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू, है ना। कह रहा है कि अगर दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्किल में ड्रॉ हुए हैं, तो जो लाइन सेगमेंट होगी जो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिल रही है वो कहाँ से पास हो रही होगी। ऑब्वियस है ना, डायमीटर होता है, डायमीटर कहाँ से जाता है, सेंटर से जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये बेटा ये सारी थ्योरी हमने इसीलिए बताई क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अगला है इन अ कंसेंट्रिक सर्किल द डायमीटर ऑफ और सर्किल पासिंग थ्रू सेम सेंटर, है ना। कंसेंट्रिक सर्किल में क्या होता है, सेंटर सबके सेम रहते हैं, तो इसका भी आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो ये तीन देखिए बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी हम लोगों ने कर लिए, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसी के बेस पे क्वेश्चन थे ये, और ये आते हैं बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि टू पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज, है ना। तो अब देखिए ये इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे करेंगे। कह रहा है टू पैरेलल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमने दो पैरेलल टेंजेंट्स देखिए ड्रॉ करने हैं, ये सर्किल है और ये हमारे पैरेलल टेंजेंट्स हो गए। अब कितनी डिस्टेंस है, 10। तो बेटा ये डायमीटर ही तो होता है ना, ये अगर आप देखोगे यहां पे अगर हमने इसको ए और बी माना और ये ओ है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 10 है, ये तो डायमीटर है। तो डायमीटर जो रेडियस हमको फाइंड करना है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो
हमारा रेडियस होगा वो क्या होगा, 10/2 होगा, इसका मतलब हमारा रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंट ए बी एट पॉइंट ए ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट बी सो दैट ओ बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए बी इज. बेटा इस तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो इसमें बेटा सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, फिगर आप बना लो इसका ना. तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं. कह रहा है सबसे पहले भाई सर्किल की बात हो रही तो हम सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं. और रेडियस कितना दे रखा है सर्कल का, 5 सेंटीमीटर. इसका ये 5 सेंटीमीटर. अब कह रहा है कि टेंजेंट ए बी, एक हम टेंजेंट ए बी ड्रॉ करें. ठीक है, मान लीजिए यहां से ये टेंजेंट ए बी है. टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ए ऑफ अ सर्कल रेडियस मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ. ये सेंटर ओ है, एक लाइन पे यहां पे मिल रहा है. ठीक है, अब कह रहा है एट पॉइंट बी सो दैट ओ बी की जो वैल्यू है, जो ओ बी की वैल्यू है भाई, बी पॉइंट इधर ले लेते हैं और ए इधर लेते हैं. अब कह रहा है कि जो ओ बी की वैल्यू है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है. 12 सेंटीमीटर बता रहा है. अब लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, इसका मतलब हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है. ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है. तो बेटा देखिए, अभी हमने आपको थ्योरम पढ़ाया था, वो थ्योरम क्या कह रहा था कि जो जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, है ना. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ये है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो जो ट्राइंगल ओ ए बी होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा. राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये क्या है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ओ ए बी है. उसके बाद जब अगर ओ ए बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को फिट कर सकते हैं. तो यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर. तो ओ बी होल, ओ बी की वैल्यू क्या है बेटा, 12, इसका करेंगे तो 144 आएगा. माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है, 25, इसको कर देंगे 5 का 25 हो जाता है, इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, है ना. अब 144 में हमने 25 माइनस किया तो 119 आ गया. अंडर रूट हटेगा, इधर अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा. तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 119. इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है. क्लियर. तो इस तरह होगा बेटा, देखिए इस तरह क्वेश्चन दे रखा रहेगा. सर्किल बनाना है, रेडियस दे रखा है, वो पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है, टेंजेंट की लेंथ निकालनी है. तो वो हमने लेंथ यहाँ पे फाइंड कर ली. अगला क्वेश्चन है. अब देखिए ये फिगर दे रखा है. इन द फिगर क्यू आर इज कॉमन टेंजेंट टू अ गिवन सर्किल which meet at P, है ना, P पे मिल रहे हैं. टेंजेंट एट T meets QR, QR पे मिल रहा है, एट P, ये भी P पे मिल रहा है. फिर कह रहा है इफ पी क्यू की जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी दे रखी है 5.5, ये वैल्यू आपकी 5.5 दे रखी है. ठीक है, तो अब देखिए देन द लेंथ ऑफ क्यू आर. अब अगर हम यहां से इस फिगर से एक चीज ऑब्जर्व करें कि भैया देखिए जो क्यू पी है, जो क्यू पी है वो पी टी के इक्वल होगा. क्यों, टेंजेंट ऑफ सर्किल, अभी मैंने बताया ना कि एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए, एक ये टेंजेंट हुआ, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ. तो जो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, है ना. तो अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो इक्वल होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्यू पी है वो पी टी के इक्वल होगा. अगेन अगर हम ये वाले सर्किल में देखें तो इसमें क्या होगा, जो पी आर है ये आपने इसको वन मान लिया, जो पी आर की वैल्यू है वो जो पी आर होगा वो भी पी टी के इक्वल होगा. सेम रीजन है ना, सेम रीजन भैया, ये भी इसका टेंजेंट है, ये भी इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, तो ये भी इसका टेंजेंट है. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन टू हो गई. तो अगर इस इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए जब QP के इक्वल PT है और PR के इक्वल PT है तो इसका मतलब क्या होगा, जो QP होगा वो भी PR के इक्वल होगा, है ना. यहां से ये हमारे पास आ गया. और QP की वैल्यू क्या दे रखी है, PQ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5.5 दे रखी है.
ठीक है। तो अब हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्यू आर जो होता है, क्यू आर जो हमारा है वो क्या है, क्यू पी प्लस पी आर है, और क्यू पी और पी आर दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास जो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5.5 प्लस 5.5, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, है ना। तो जो टोटल पी आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, क्यू आर की वैल्यू जो होगी वो होगी 11 सेंटीमीटर। क्लियर है, है ना, 11 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल था, ये वाला टेंजेंट इसके इक्वल था, तो दोनों हम लोगों ने लिखा और फिर दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे क्या आ गया कि भैया ये जो QP होगा वो PR के इक्वल होगा, और QP जो QR है वो किसको कैसे बन रहा है, QP और PR के एडिशन में बन रहा है। तो सारी वैल्यूज हमने पुट करी और 11 हमने फाइंड कर लिया, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, AB इज अ कॉर्ड, AB क्या है बेटा, कॉर्ड है, और कह रहा है एंड द टेंजेंट एट A, एट ए मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द कॉर्ड, देन फाइंड एंगल ओ ए बी। अब बेटा हमको देखिए कौन सा एंगल फाइंड करना है, ओ ए बी, मतलब ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला जो एंगल है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ओरली हो जाएगा। ओरली कैसे होगा, देखिए जो हमारे पास ये वाला जो ये जो दे रखा है, अगर आप देखेंगे भैया ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आप पूरे इस एंगल की बात करिए, अगर हम कहें आपसे कि जो एंगल ओ ए टी है वो क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब भैया क्यों 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट है ना, ए टी टेंजेंट है और ओ ए क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो अब उसके बाद जो यहाँ पे आपका, अब देखिए 90 में से जो हमारा एंगल ओ ए बी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब भैया आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो पूरे में से ये 30 हटा दो, तभी तो वो वाला एंगल निकल के आ जाएगा, है ना। एंगल क्या है, कौन सा निकल के आ जाएगा, ओ ए बी। यहां से देखिए, अगर आप एक बार और हम आपको दिखा देते हैं कि भैया ये देखिए एंगल ओ ए टी जो है, ओ ए टी ये वाला जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां से लेके यहां तक 30 दे रखा है, यहां से लेके यहां तक 30 दे रखा है। टी ए बी की वैल्यू दे रखी है, हाँ, मेक्स एन एंगल विद 30 डिग्री। देखिए ये पूरा एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है कि हम इसमें से 90 में से 30 माइनस कर दें तो ओ ए बी निकल आएगा, तो यहां से हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो जो आपका ये ओ ए बी होगा ये क्या होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। इसका मतलब है सी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझाने के लिए इतना टाइम ले लिया ना, तो बेटा 2 मिनट क्वेश्चन है, हम अगर खाली क्वेश्चन देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भैया पूरा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब इतना हिस्सा 30 है तो इतना 60 होगा, तभी तो मिला के 90 बनेगा, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल। अब जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना भाई, हमको रेडियस गिवन था और जो डिस्टेंस थी वो गिवन थी, फिर हमको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी थी। इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है और पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है, यहां से हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। सेम उसी तरह होगा, वैसे ही फिगर बनेगा, वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे सर्कल बनाया, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है और लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखा है, 24, ये आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से हमने रेडियस ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये इसकी जो डिस्टेंस दे रखा है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 25 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस फाइंड करना है हमको, ये आर फाइंड करना है। तो ये निकालने के लिए देखिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हो गया क्यू पी ओ, या क्यू पी ओ हमारा जो है ये क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। तो 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए
इसको सॉल्व करेंगे 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा ना, ये 25 का स्क्वायर करिए, 25 का करेंगे तो 625 आएगा, 24 का करेंगे तो आपका 576 आएगा, है ना। तो 625 माइनस 576, तो 625 माइनस 576 ये आपका आर स्क्वायर है। तो 625 में से हमने 576 को माइनस कर दिया, जब आपने माइनस किया तो आपका आ गया 49, है ना, ये आ गया 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा हमारा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि टू टैंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए। अब देखिए दोनों का एंगल दे रखा है, कह रहा है कि कितने पे इंक्लाइंड है ये, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड, मतलब दोनों जो हमारे टेंजेंट है वो 80 डिग्री पे ऐसे इंक्लाइंड है। तो देखिए सर्कल है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, पी ए। इंक्लाइंड का मतलब हो गया ये आपका एंगल जो दे रखा है दैट इज 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा पी ओ ए, पी ओ ए फाइंड करो, हमने पॉइंट ओ माना और ये हमारा रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। जब आपने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया तो अब देखिए हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब इस तरह का जो क्वेश्चन ये इसमें क्या होता है कि जो आपके दोनों ट्राइंगल्स दिए हैं ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये ए पी ओ, ए पी ओ ये किसके इक्वल होगा, बी पी ओ। तो उसका मतलब है जो 80 है इसका हाफ ऊपर वाला एंगल होगा, तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल हो गया, ये वाला, ये 40 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब फाइंड क्या करना है, पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो भैया देखिए 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया यहाँ से, 130 डिग्री प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 में से 130 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंगल पी ओ ए आपका आ जाएगा 50 डिग्री। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमको क्या गिवेन था, बस हमको दोनों के एंगल गिवेन थे, कितने पे एंगल इंक्लाइंड है, कितने पे टेंजेंट आपके दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड हैं, है ना। और उससे हमने क्या किया कि भैया दोनों हाफ ऑफ एक ट्रायंगल बन गया। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बस हमने आपसे क्या कर, देखिए हर क्वेश्चन में वाली थ्योरम यूज हो रही है कि जो ये टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो ये चीज आपको बेटा हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है इन द गिवन फिगर हाँ, तो कह रहा है इन द फिगर ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी हमारी कॉर्ड है ऑफ अ सर्किल एंड ए ओ सी इज इट्स डायमीटर। ए ओ सी क्या है, डायमीटर है। ए सी बी की जो एंगल दे रखा है वो 50 डिग्री दे रखा है और कह रहा है इफ 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट अ पॉइंट ए देन बी ए टी, बी ए टी का मतलब क्या हो गया, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल क्या है ये फाइंड करना है। तो बेटा देखिए बी ए टी एंगल आपको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बी ए टी के लिए क्या, देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि ये वाला जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 में से ये जो अंदर वाला एंगल इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जब जो 90 डिग्री है ये वाला आपका जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री एंगल और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो अंदर वाला किसी तरह एंगल हमको मिल जाए, अंदर वाले एंगल में से 90 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा देखिए क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर किसी भी सेमी सर्कल पे कोई भी ट्राइंगल की दो वर्टेक्स मिल रही हैं तो वो वर्टेक्स जो होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब होगा कि ये वाले जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। भाई अगर आप इतने हिस्से की बात करो, ये सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल आपको दिखा और ट्राइंगल की दो वर्टेक्स भी इस पे मिल रही हैं तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बेटा जब देखिए ये 90 है ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 50 इज 140, है ना, 140 हो जाएगा।
90 + 50 = 140, तो 140 - 180, तो ये आपका अंदर 40 डिग्री बचेगा। अब 40 में से 90 हमने माइनस कर दिया, तो ये वाला जो एंगल आपका आ जाएगा दैट इज 50 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो एंगल BAT है वो एंगल BAT किसके इक्वल है बेटा, एंगल BAT, एंगल BAT इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अगर सारी थ्योरम्स आपको अच्छे से आती हैं, क्लास 9th में सर्किल आपने अच्छे से पढ़ा है, तो बेटा ये चैप्टर आपका आपके लिए बहुत ही इजी होगा, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में देखिए थ्योरम यूज हो रही है, हर क्वेश्चन में थ्योरम यूज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए क्लास 9 की एक थ्योरम लगी है, थ्योरम यही थी, और ये थ्योरम बेटा आपको थ्रू आउट याद करनी है, ये आपके आगे भी क्लासेस में बहुत काम आने वाली है, ये सब ये सारी जो थ्योरम्स हैं, इन सारी थ्योरम से हमारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो अब फिर से एक बार समझ लीजिए, कोई भी सेमी सर्किल में अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो उस सेमी सर्किल के जो ये सर्कमफेरेंस पे अगर कोई दो जो वर्टेक्स मिलती हैं ट्रायंगल की, तो वो दोनों वर्टेक्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये पूरे ट्रायंगल में देखा 50 90, तो अंदर वाला आ गया, अंदर वाले में से पूरा 90 माइनस कर दिया तो ये 50 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसका मतलब है कि 50 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू, है ना। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, अब इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी देख लीजिए यहां पे। अब कोई भी दो टेंजेंट्स है वो सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुए और 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो रहे हैं, ठीक है, कहां से कितने से इंक्लाइंड हो रहे हैं, 60 डिग्री से। ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब रेडियस की वैल्यू दे रखी है, रेडियस देखिए कितना हमको दे रखा है, जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर की मैंने। अब हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमको फाइंड करनी है। ये पॉइंट हमने बाहर मान लिया ए, या इस पॉइंट को हमने मान लिया पी, P से हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये हमारा पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दिस इज योर पॉइंट O। अब बेटा देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इनको ट्रायंगल में फॉर्म करना पड़ेगा, ऐसे तो हमें नहीं कुछ समझ आ रहा है। तो अगर हमने बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन अगर हमने ड्रॉ कर दी, तो देखिए दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए। और दूसरी चीज ये हो गया कि ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब बेटा कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ट्रिग्नोमेट्री रे आपको आती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दो, उससे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लो, है ना। तो अब देखिए जब यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो इन कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल एओपी, एओपी ट्रायंगल में हमने देखा, ठीक है, तो एओपी में हमने देखा जो साइन 30 है, यहां पर देखिए क्या लगाना है, जो जो आपके ये वाला जो होता है पॉइंट, जो एंगल होता है, एंगल के जो जस्ट अपोजिट होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, जो एंगल के अपोजिट होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, एओ जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ए बी, ए पी हमारा क्या होगा, बेस होगा, सॉरी ए पी हमारा बेस होगा और ओ पी हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो हमें ओ पी से मतलब नहीं, हमें टेंजेंट निकालना है, बेस गिवन है, तो इन ट्रायंगल ए ओ पी टेन 30 की वैल्यू लगा दीजिए, टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 4 अपॉन ए पी, ठीक है, ये वाला ये इस तरह हो गया। अब अगर इसको यहां से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ये ट्रायंगल आपके लिए इस तरह अलग भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये वैल्यू हमें 4 दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ओ पी ए हमको फाइंड क्या करना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी हो जाएगी दैट इज ये, सॉरी ओ पी, लेंथ ऑफ टेंजेंट मैं दोबारा से बना देता हूं, देखिए इसी फिगर को मैं बाहर बना रहा हूं, उसको देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, ये हो गया, यहां पे आपका ये आपका मान लिया 90 डिग्री है, पॉइंट ए है, ठीक है, और ये एंगल 30 बना रहा है, ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट आपका ओ है, ठीक है। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ओ ए की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि जो आप ए पी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करो,
ठीक है, एपी की वैल्यू फाइंड करनी हमको भाई, यही इसी को हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो बेटा इस तरह समझ में आ जाना चाहिए, सिंपल ट्राइंगल बना है, 30 डिग्री है, इसके अपोजिट आपने देखा जो एंगल के अपोजिट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो उसके एडजेसेंट होता है वो क्या होता है बेटा, बेस होता है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखा हमने, जो tan 30 की वैल्यू होती है दैट इज 1/√3, और 1/√3 दैट इज 4/AP, ठीक है। तो AP की वैल्यू यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो AP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4√3 cm। इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, 4√3 इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 6 cm एंड 4 cm, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो ऑब्वियस है जो कॉर्ड है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक 6 cm का है, 4 cm का है, तो ऑब्वियस है 6 cm वाला बड़ा होगा, 4 cm वाला छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्कल है तो वो उसकी कॉर्ड होगी, है ना, कॉर्ड बोल रहा है, और वही जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करके जा रहा है, तो उसका मतलब है बड़े सर्कल की कॉर्ड है, स्मॉलर सर्कल की वो टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हम कह रहा है कि इफ़ टू रेडियाई, दो सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं, तो देखिए एक कंसेंट्रिक सर्कल आपका ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, तो एक सर्कल ये हो गया, दोनों क्या हैं, एक ही सेंटर से हैं, ठीक है। अब उसमें देखिए सब बोल रहा है कि भैया ये एक कॉर्ड है, तो ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी, मान लीजिए हमने इसका इसको नाम दे दिया ए बी, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, दैट इज 4 cm, ठीक है। उसके बाद हम इसको जब ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे मिला देंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 cm हो जाएगी, क्योंकि भैया ये जो ओ बी है, यहाँ से देखिए जो ओ बी है वो क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है ना, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, और जो ए बी है, ए बी आपका क्या है, कॉर्ड फॉर आउटर सर्कल। बेटा यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि टच कर रहा है कि कट कर रहा है क्या कर रहा है, तो उस यही सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन की यही लैंग्वेज समझनी होती है, कॉर्ड फॉर आउटर सर्कल एंड टेंजेंट फॉर इनर सर्कल, कॉर्ड फॉर आउटर सर्कल और टेंजेंट फॉर इनर सर्कल, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये पी है, तो बेटा जो और जो ओपी है, ओपी तो इनर सर्कल का रेडियस है, वो मैंने बता दिया था आपको। अब यहां से देखिए जो ट्राइंगल ओपीबी है, जो ओपीबी है वो कैसा है, राइट ट्राइंगल है, ओपीबी कैसा है बेटा, राइट ट्राइंगल है ओपीबी हमारा, और तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम फिट कर दें, जब पाइथागोरस थ्योरम फिट कर देंगे तो हमारे पास देखिए या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वैल्यू आएगी, हमको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए बी कैसे बन रहा है, ए बी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए पी प्लस पी बी है, ए पी प्लस पी बी, और ए पी और पी बी क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 6 cm हो जाएगा, और ये 4 है, तो दोनों ट्राइंगल कौन से कैसे हो रहे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब ए पी और पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिर्फ हम क्या करें, पी बी की वैल्यू या ए पी की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो देखिए हमने ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 6 का हो गया आपका 36 इज इक्वल टू 16 प्लस पी बी, तो यहां से 36 माइनस 16 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया बेटा, है ना, 6 का स्क्वायर क्या 36, 4 का स्क्वायर क्या 16, पी बी का स्क्वायर इज पी बी स्क्वायर, तो यहां से अंडर रूट 20 आ जाएगा इज इक्वल टू पी बी, तो यहां से अगर आपने देखा जो पी बी की वैल्यू आ गई आपके पास वो क्या आ गई, 2√5 cm आ गई पी बी की वैल्यू, भैया यहां से लेके यहां तक आ गए। अब ए बी फाइंड करना है, और ए बी पी बी दोनों इक्वल है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास ए बी की वैल्यू होगी दैट इज क्या हो जाएगी, 4√5 cm। इसका मतलब है जो कॉर्ड है, कॉर्ड की तो लेंथ निकालना था, यही कॉर्ड तो हमको निकालना था, कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, तो कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल इज ए बी, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4√5, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये हमें कैलकुलेशन करनी रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PQ is chord and tangent PR makes an angle 50 degree with PQ, then reflects angle
पी ओ क्यू, हमको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है पी ओ क्यू, है ना, पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल हमारा जो है। तो देखिए बेटा, ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ओपी है, है ना। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने से पहले एक आपको छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल होता है ये 360 होता है भाई। पूरा एंगल क्या होगा हमारा, 360 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल की अगर आप बात करोगे, ये देखिए ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। अच्छा, जब 360 के इक्वल होगा तो एंगल पी ओ क्यू निकाल लें, तो हम बेसिकली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एंगल जो पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल पी पी ओ क्यू, है ना। रिफ्लेक्स पी ओ क्यू निकाल लें, रिफ्लेक्स पी ओ क्यू क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्स पी ओ क्यू एंगल 360 माइनस, और ये जो अंदर का पी ओ क्यू है इससे हमको माइनस कर देना है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया हमारे पास ये ट्राइंगल, अगर आप ट्राइंगल में देखो तो ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है इसके सारे एंगल्स का सम करेंगे तो 180 आएगा। तो हमको बेटा एंगल ओ पी क्यू और एंगल ओ क्यू पी निकालना है। ये दोनों एंगल हमारे पास अगर आ जाएंगे तो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल कैसे आएंगे, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो OP है वो किसके इक्वल होगा, वो OQ के इक्वल होगा। क्यों बेटा, दोनों रेडियस हैं भैया, दोनों रेडियस हैं कि नहीं है, बात मानते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो जो एंगल OPQ है वो किसके इक्वल है, एंगल OQP के इक्वल है। क्यों, एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स, है ना भैया। अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल दोनों दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमने ये भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, बात समझ आ रही है। तो अब देखिए जो एंगल पी ओ, जो एंगल ओ पी आर है, एंगल ओ पी आर देखेंगे तो वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है भैया। हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है ये, तो हर क्वेश्चन में यूज होगा कि भाई जो टेंजेंट है और रेडियस है परपेंडिकुलर है। और उसके बाद जब एंगल ओ पी क्यू निकालेंगे, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, है ना। अंदर वाला एंगल कैसे निकलेगा, 50 में से 90 माइनस कर दें, तो 50 में से 90 माइनस किया तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भैया ये 40 है तो ये भी 40 होगा, दोनों 40 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। और जब दोनों 40 के हो गए तो तीसरा एंगल किसके इक्वल होगा भाई, देखिए अगर पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 40 और 40 कितना हो गया, 80 माइनस 180 हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू आपका क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। बस यही तो हमको फाइंड करना था। अब ये 100 को हमने जब यहाँ पे पुट किया तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू कितना आ जाएगा आपका, 360 माइनस 200 दैट इज 260 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये आपका कितना होगा, 260 डिग्री होगा। इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, कैसे बस यही देखिए दो तीन चीज़ें याद रखनी है, बेसिक क्लियर है क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक क्या था कि जो एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके बीच के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो चीज़ें हमको पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 100 एंड एंगल ओ ए बी, तो मतलब ये वाला फाइंड करना है। ये देखिए हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ ए बी, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना। देखिए ये 90 डिग्री, ये 50 हो जाएगा भैया, ये वाला एंगल ये एंगल इक्वल होता है, टोटल 100 है तो ये 50 हो जाएगा, 50 प्लस 90 आपका हो गया 140 और 140 माइनस 180 इज 40, तो उसका मतलब क्या है बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओरली क्वेश्चन हो गया, ये बी वाला आपका करेक्ट है, बस बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, है ना। कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, तो बस देखिए
अब सबसे पहले हमको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर देखिए कैसे बनेगा, ये सब क्वेश्चंस में आपको फिगर मैंडेटरी है, फिगर नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो सर्किल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने मिला दिया इसको, ठीक है। ये यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया और ये हमारी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं ना। फिर कह रहा है मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, है ना। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इसके इक्वल हमको प्रूफ कराना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। ये कह रहा है कि यही प्रूफ करिए भैया, ये दोनों जो एंगल हैं वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने ओ मान लिया, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट पी मान लिया, क्लियर। तो अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, आप कैसे करेंगे कि ये इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पूरा एंगल यहाँ रेडियस तक बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ, दोनों तरफ 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अंदर वाले एंगल को हमने मान लिया, ये 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो देखिए, अगर हम इस यहाँ से देखें, जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, क्लियर। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है। भैया दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद हमने यहाँ से देखा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, भाई यहीं से कहानी ख़त्म हो गई। एंगल 1 जो है वो क्या है बेटा, एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बेटा एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स है ना, इक्वल साइड्स के बीच में एंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन उससे पहले भैया, जब ये दोनों 90 के इक्वल हैं तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल है कि नहीं है। और यहां से हमने देखा कि भैया एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी इक्वल है, तो जब इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था कि जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं कॉर्ड के, वो दोनों पॉइंट जो है, वो दोनों एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। जिस एंगल पे जो कॉर्ड के जो एंगल पे ड्रॉ हो रहे हैं, जो टेंजेंट जितना एंगल बना रहे हैं, वो दोनों इक्वल हैं, यही हमको प्रूफ करना था और वो हमने यहां से प्रूफ कर दिया, ठीक है। कैसे प्रूफ कर दिया देख लीजिए, पहले हमने यहां से लेके यहां तक पूरा 90 था, या रेडियस से जो टेंजेंट है वो 90 है, कॉर्ड बन गई तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा, इधर भी 90 के इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दिया। ये जो अंदर वाला 1 है और ये अंदर वाला 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स के बीच में है ट्राइंगल के। तो यहां से हमने जब देखा तो ये यहां से हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया, क्लियर। आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यूजिंग द फिगर गिवन बिलो प्रूव दैट ए आर इज इक्वल टू, ए आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसके इक्वल है ए आर की वैल्यू, ये हमको प्रूफ करना है। तो बेटा देखिए, गिवन टू प्रूव आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूं। तो पैरामीटर अगर आप देखें, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का पैरामीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है। अब देखिए बहुत यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा आगे का क्या क्या स्टेप होने वाले हैं। पैरामीटर ऑफ ए बी सी कर रहे हैं और हम इनको लेके चलेंगे, हम इनको सॉल्व करेंगे, है ना, ये पैरामीटर ऑफ ए बी सी के इक्वल है ना। तो हम देखिए यहाँ पर हमने एक बार और लिख लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला आपका जो पॉइंट है, बी सी वाला जो पॉइंट है ये, तो बी सी वाला पॉइंट देखिए किस में स्प्लिट हो जाएगा, पी सी प्लस पी बी के में हो जाएगा। भाई जो बी सी है वो पी सी प्लस पी बी को लेके तो बना रहा है, तो यहाँ पे हमने इनको दो में ब्रेक कर लिया, यहाँ से आ गया आपका ए बी प्लस और यहाँ से ए सी आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पी सी को देख रहे हो ना, ये जो पी सी है ये आर सी के इक्वल है। यहां से हमने क्या लिखा, जो पी सी है वो क्या है, आर सी के इक्वल है, और उधर से जो पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये इसीलिए ये क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो अब हमको करना क्या है, पीसी की जगह पे हमें आरसी रख देना है, पीबी की जगह पे हमें बीक्यू रख देना है। तो देखिए अब यहां से हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, तो यहां पे हमने देखा ए बी प्लस पीसी की जगह पे हमने आरसी रख दिया, पीसी की जगह पे हमने क्या रख दिया, आरसी रख दिया, ठीक है। और अब ये पीबी, पीसी की जगह पे आरसी और पीबी की जगह पे बीक्यू रख दिया, यहां पे हमने प्लस बीक्यू रख दिया। ये यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म ए बी, इसको हमने ए बी रखा। अब यहां से आप ये देखिए, अब आपने एक चीज देखिए यहां पे, एक जो ए बी प्लस आर सी है, जो आपका एक सेकेंड, ये ए सी होगा यहां पे ना, ये ए सी हो गया, हाँ ये ए सी होगा, ठीक है, ये वाला ए सी हो गया, ठीक है। तो यहां पे कुछ एक एक मिनट इधर उधर कर लेते हैं, ये आपका एसी हो जाएगा, बस देखिए थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो वो पूरा चेंज करना पड़ता है, तो बीच में आपका हो गया ये बीक्यू, है ना भाई, बीक्यू हमने पीबी की जगह पे बीक्यू लिख दिया, पीसी की जगह पे आरसी लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां से आप देखिए, जो ए बी प्लस बीक्यू है, ए बी, ए बी प्लस बी क्यू है, वो किसके इक्वल है, ए क्यू के इक्वल है, ठीक है। और जो आर सी प्लस ए सी है, ये किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल है, यहाँ पे क्या लिख लिया, इज प्लस ए आर। अब हम ये किसके इक्वल चल रहे हैं भैया, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी कि जो ए आर है वो ए क्यू के भी तो इक्वल है भैया, क्यों, क्योंकि दोनों, वो दोनों भी तो टेंजेंट है, बड़े टेंजेंट है वो छोटे टेंजेंट है, तो यहाँ पे सेम रीजन होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ट्वाइस ऑफ ए आर, हमसे क्वेश्चन में ए आर के टर्म में पूछा है तो हम ए आर के टर्म में निकालेंगे, अगर ए क्यू के टर्म में पूछा होता तो ए क्यू के टर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल पैरीमीटर का, अगर आप पैरीमीटर को देखिए, पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए आर, यही तो आ रहा है, और टू को नीचे ले आएंगे तो हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए आर, हैंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी से, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि देखिए इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी टू द सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, प्रूव दैट ए बी की जो वैल्यू है ए बी वो सी डी के इक्वल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए किसको किस तरह करेंगे भैया, देखिए जो ए ई होगा वो किसके इक्वल होगा, ई सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके बाद जो ई बी होगा वो ED के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू को आप ऐड कर दिए, तो AE प्लस EB इज इक्वल टू EC प्लस ED, है ना। तो देखिए AE प्लस EB क्या बन गया, AB बन गया, ये AB बन गया और ये क्या बन गया, CD बन गया, और यही हमको प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, प्रूफ क्या करना है, बी ई और ई सी को प्रूफ करना है, बी ई किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले जो कुछ चीज़ें हमको क्वेश्चन में हमको पता है वो हम लिख लेते हैं, जैसे जो ए डी है वो किसके इक्वल है, ए एफ के इक्वल है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद जो बी डी है वो बी ई के इक्वल है, सेम रीज़न। इसी तरह जो एफ सी है वो किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। जो ए बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, ए सी के इक्वल है। अब देखो हमें निकालना क्या है,
BE को EC के इक्वल प्रूव करना है, BE BD के इक्वल है, EC FC के इक्वल है। तो अगर हम BD और FC को भी इक्वल प्रूव कर दे तो उसका मतलब हमने इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब BD कैसे आएगा, पूरे AB में से AD माइनस कर दें और इधर पूरे AC में से AF माइनस कर दें। तो अब बेटा अगर इक्वल नहीं होगा तो कैसे करेंगे भाई, अगर हमें किसी भी एक इक्वेशन में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी होती है, ऐड करनी होती है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इक्वल है, अब AD AF के इक्वल है ना, तो हम AB में AD माइनस करेंगे और AC में AF माइनस करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अब हमने क्या किया, यहां से AB में इधर AD माइनस किया और जो AF है, जो AF है वो AD के इक्वली तो है, तो हमने यहां पे क्या कर दिया, AC में भी AD माइनस कर दिया। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे तो देखिए AB माइनस AD कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, DB आ रहा है, और AC माइनस AD कर रहे हैं तो FC आ रहा है, और जो DB है, जो DB है हमारा वो किसके इक्वल है, DB हमारा किसके इक्वल है, BE के इक्वल है ना, और जो FC हमारा है वो EC के इक्वल है, वो EC के इक्वल है, और यहां से हमारा हेस्ट प्रूफ जो पूछा था वो हमने निकाल दिया, ठीक है। तो बस यहां से देखना है कि कौन किसके इक्वल है, कब किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कब हमको क्या निकालना है, निकालना ये था, सब्ट्रैक्ट ये किया, आया ये और ये इसके इक्वल हो गया, ये क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन है इसमें। तो ये चीज हमको बहुत समझनी है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्किल आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, एक सर्कल बनाया, अब देखिए ये एंड्स पे ड्रॉ है, इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि किस तरह इस क्वेश्चन को किया जाता है, क्योंकि दो लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एंड्स पे ड्रॉ हुआ है, जब एंड पे ड्रॉ हुआ है इसका मतलब है डायमीटर से होके गया है, ठीक है, डायमीटर है ये। तो बेटा ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90 है। अब अगर इसको आप देखेंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होगा तो जो OA आपका होगा वो ट्रांसवर्सल होगा और जो गिवन लाइंस होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी। तो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। तो लाइंस पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब टेंजेंट्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, CD इज अनदर टेंजेंट टचिंग टू अ सर्किल Q, ये CD का अदर अनदर है जो कि Q पे टच कर रहा है। इफ PA इज इक्वल टू 12, PA की वैल्यू 12 दे रखी है, QC की वैल्यू 3 दे रखी है, QC की 3 कह रहा है, PC प्लस PD निकालो। तो बच्चों देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको फाइंड क्या करना है, PC प्लस PD फाइंड करना है, PC प्लस PD ये फाइंड करना है। तो अब PA की वैल्यू दे PA की वैल्यू दे रखी है, PA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर है ना, ये पूरे वैल्यू दे रखी है, पूरी ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमारे पास किसी तरह अगर AC आ जाए, क्योंकि जो PC की वैल्यू होगी वो क्या होगी, PC की जो वैल्यू होगी बेटा वो आपकी होगी PA माइनस AC है ना, तो हमारे पास किसी तरह AC आ जाए। अब लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो QC है, जो QC है ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो QC है वो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने देखा जो QC है वो AC के इक्वल है, तो उस केस में देखिए QC 3 है तो AC कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो PC की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 12 माइनस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर है ना, 12 माइनस 3, तो यहां से PC की वैल्यू क्या आ गई, 9 सेंटीमीटर आ गई। सिमिलरली देखिए अगर PA की वैल्यू, जो PA की वैल्यू 12 है तो PA इज इक्वल टू PB है, क्योंकि ये भी टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। उसके बाद अगेन जो अगेन जो QB दे रखा है, देखिए QC की वैल्यू हमारे पास थी 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहां से निकाल लिया, तो टोटल वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। PB भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये हमारा 12 सेंटीमीटर है तो जो PD निकालना है, तो PD जो होगा वो क्या होगा बेटा, PD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी PB माइनस
डीबी, है ना, यही निकालनी थी। तो क्यू सी की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो हमने यहां से निकाल लिया। तो बेटा देखिए ये 3 हो गया, तो अब इसी तरह जो क्यू डी होगा ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगा। इस क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा क्यू सी जो है वो क्यू डी के इक्वल है और वो 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पे क्यू डी भी होगा, क्यू सी जो होगा वो क्यू डी के इक्वल है, वो 3 सेंटीमीटर होगा। तो जब ये 3 सेंटीमीटर होगा तो बेटा ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब जो पी डी निकल के आएगा, पी डी भी क्या निकल के आएगा, 9 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और जब ये 9 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है तो पी सी प्लस पी डी भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 9 9 18, तो इसका मतलब पी सी और पी डी क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम पॉइंट पी द टैन टू टैंजेंट्स पी टी एंड पी एस आर ड्रॉन एट सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एस पी टी, एस पी टी इसका मतलब हो गया जो पूरा एंगल है ये दे रखा है कितना, 120 डिग्री, है ना। कह रहा प्रूव दैट ओ पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एस, जो OP है OP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PS, ये हमें प्रूफ करना है। तो भैया देखिए ये कैसे प्रूफ करेंगे कि जो OP है वो ट्वाइस ऑफ PS है, ये देखिए कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब अगर ये वाला 120 है तो OP और PS की बात हो रही, तो हम इस वाले ट्रायंगल में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, सिर्फ इतना हिस्सा, इतना हिस्सा जो है ये 60 डिग्री के इक्वल हो गया। तो अगला क्वेश्चन है बेटा इन द गिवन फिगर फ्रॉम पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी टी एंड पी एस आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O and angle SPT is equal to 180 degree. Prove that OP is equal to twice of PS, है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि जो एंगल SPT है, SPT की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, मतलब क्या हो गया, SPT का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है SPT ये आपको 120 दे रखा है। तो जब बेटा एंगल SPT 120 डिग्री, अब हमको ओपी और पी एस की बात करनी है, ओपी और पी एस, तो हम उस ट्रायंगल में देखेंगे। तो जो एंगल ओ पी एस होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब बेटा देखिए इसमें हम अगर देखेंगे, ये हमारा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो एंगल के सामने वाला जो होता है दिस इज परपेंडिकुलर, है ना, और एडजेसेंट वाला जो होता है दैट इज बेस, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। तो ओपी हमारा क्या है, ओपी हमारा हाइपोटेन्यूस है, और पीएस हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पे हम बेटा कॉस 60 लगा देते हैं, तो कॉस 60 आप लगाओगे तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज पीएस अपॉन ओपी, ठीक है। और जो कॉस 60 की वैल्यू होती है दैट इज 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू पीएस अपॉन ओपी, पीएस अपॉन ओपी, तो ओपी यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पीएस, हमको यही प्रूफ करना था और वो हमने प्रूफ कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब ये देखिए कह रहा है कि इन द गिवन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, तो बेटा ये आपका जो है 6 सेंटीमीटर है यहां से लेके यहां तक, और ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेंटर इसका ओ है, इफ ए पी इज अ टेंजेंट ऑफ लार्जर सर्किल, ए पी हमारा लार्जर सर्किल है और बी पी जो है वो स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट है, एंड लेंथ ऑफ ए पी इज 8 सेंटीमीटर, इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, पी बी की लेंथ फाइंड करनी है, पी बी की लेंथ फाइंड करनी है। बेटा बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए भाई, ये 6 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ओ पी। तो अगर हमारे पास ओ पी आ जाए, अगर हमारे पास यहाँ से OP आ जाता है तो OP हम निकाल लेंगे, तो फिर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के OP निकालेंगे, फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम PB निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल AOP की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64, और OP इज इक्वल टू अंडर रूट 100, है ना, ये 100 हो जाएगा, तो OP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
10 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास 10 आ गया। अब ओपी हमारे पास जब 10 है तो यहाँ से देखिए 10 स्क्वायर या मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। ये वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, तो ये आराम से निकाल लेंगे हम, है ना। तो यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल ओ पी बी अगर हम ओ पी बी में देखेंगे तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ओ पी की वैल्यू हम लोगों ने 100 निकाल रखी है, स्क्वायर अगर करेंगे तो 100 हो जाएगा, ओ पी 10 है, और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू 4 दैट इज 16 प्लस पी बी स्क्वायर, ये है। तो 100 माइनस 16 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो 100 में से जब 16 जाएगा तो यहां पे क्या बच रहा है आपका, 100 में 16 लेस करेंगे तो यहां से आपका बचेगा बेटा देखिए 90, और ये 84 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, तो पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 84, क्लियर। तो बेटा 84 आ गया, जब आप 84 को फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा पी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 रूट, अब देखिए 84 का हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 2 रूट 21 सेंटीमीटर। तो ये पी बी की वैल्यू आपके पास आ गई 2 रूट 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक सर्किल है वो जो कि एक ट्राइंगल में इंस्क्राइब है, सच दैट इट टचेस द साइड्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। ए बी बी सी एंड सी ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए ये सब टेंजेंट्स हो जाएंगे, ए एफ और एफ सी और आपका सी ई ई बी सब टेंजेंट्स हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है रिस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ साइड्स ए बी सी आर 12 8 एंड 10, पूरी लेंथ दे रखी क्या 12 8 और 10 सेंटीमीटर, और कह रहा है लेंथ ऑफ ए डी बी ई इसकी लेंथ फाइंड करनी है, बी ई की लेंथ फाइंड करनी है और सी एफ की लेंथ फाइंड करनी है, ये सारी लेंथ। मतलब ये ऑब्वियस है कि जब ये निकाल लेंगे तो आगे के भी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम देखते हैं तो क्या होगा कि भाई अब सबसे पहले जो चीज़ें हैं हमने देखा कि जो सी एफ है वो सी एफ किसके इक्वल है, हमने देखा जब सी एफ है वो सी ई के इक्वल है, इसको हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद जो ए एफ है वो ए डी के इक्वल है, इसको हमने y मान लिया, इसका मतलब है tangent drawn from an external point are equal। उसके बाद जो EB है वो BD के इक्वल है, EB is equal to BD, EB जो है वो BD के इक्वल है, इसको हमने z मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारे पास अब यहां से हमारे पास जो साइड्स गिवन है, अब जो हमारे पास देखिए जो साइड्स गिवन है, हमने क्या देखा जो AAC है, जो AC है वो क्या मिला के बन रहा है बेटा एफ सी प्लस ए एफ, है ना, यही तो बन रहा है। एफ सी हमने क्या माना है, एफ सी जो है वो एक्स है और ए एफ क्या है वाई है, एक्स प्लस वाई। और ए सी की वैल्यू कितनी है टोटल, यहां से देखा ए सी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमने देखा जो बी सी है, बी सी किसके इक्वल है बेटा ए ई प्लस ई बी,
ए ई प्लस ई बी के इक्वल है, ए ई की वैल्यू यहां से हमने देखा कितना है बेटा, बी सी की जो बी सी की वैल्यू है आपके, जस्ट अ सेकेंड, बी सी की वैल्यू है वो ई सी, सॉरी हाँ बी सी की जो वैल्यू है आपकी, वही मैं कहूँ ए ई कहां से आ गया, अगेन मैं लिख देता हूं, जो बी सी की वैल्यू है, जो बी सी की वैल्यू है वो बी ई प्लस ई सी, वही मैं ढूंढ रहा हूँ ये कहां से आ गया, ठीक है। तो ये मतलब बी ई प्लस ई सी है, तो बी ई क्या है यहां से हमने देखा, ये देखिए बी ई जो है वो जेड है, जेड प्लस ई सी जो है वो कितना है, ई सी हमने देखा यहां से एक्स है, और ये इसकी कितनी बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर, ये हमने यहां से रख दिया। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट हमारी लास्ट वाली जो बचती है वो ए बी वाली साइड बचती है, ए बी किससे देखिए बन रहा है यहां से ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, तो ए डी यहां से हमारा क्या है वाई है और डी बी हमारा क्या है जेड है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, ये ए बी जो हमारा है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये आपकी इक्वेशन वन आ गई, ये इक्वेशन टू हो गई और ये इक्वेशन थ्री हो गई। अब हमने क्या किया, तीनों साइड्स को ऐड कर दिया, ए सी बी सी और ए बी को जब आप ऐड करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और ए बी सी का देखिए सम करेंगे तो 12 + 8 = 20 + 10 = 30, तो 30 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां से हमने देखा हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 15 है, 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा 15 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपने निकाली है, हाँ निकाली है, क्या निकाली है 10 निकाली है, तो यहां पे 10 रख दिया, 10 प्लस जेड इज इक्वल टू 15 है ना, तो यहां से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 10 थी, टोटल 15, जेड की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई, जेड की 5 आ गई, तो जेड आपने जो लेट किया था, जेड आपने क्या लेट किया था डी बी है ना, ए डी और डी बी, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, ए डी यहां से कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद आपने y प्लस जेड की वैल्यू निकाली थी, बिल्कुल निकाली थी, y प्लस जेड की वैल्यू 12 थी, तो यहां पे हमने जब 12 पुट कर दिया तो 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू यहां पे 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर, और x को हमने क्या लेट किया था CE और CE एंड CF, तो CF की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। अब 12 और 3 है ना, अब आपके पास क्या है, z है और x है, तो जब z और x को इसमें 5 प्लस 3 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, और y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 12, पंद्रह माइनस 8 करेंगे, तो जब 15 माइनस आप 15 में से आप 8 लेस करोगे, तो 15 में से जब आप 8 लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 है ना, तो ये आपके पास y की वैल्यू 7 आ गई, और y हमने क्या लेट किया था AF लेट किया था या AD लेट किया, तो AD की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। देखिए सारी वैल्यूज आ गई है ना, सबको हमने दो दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, एक्स वाई जेड के इक्वल ले लिया, जब ऐड करेंगे तो इस तरह का कुछ रिलेशन आपके पास आएगा, दो दो की वैल्यूज आप रख के पुट कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि इन द फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट, AP और BP दोनों क्या है टेंजेंट है विद सेंटर O, AP की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हमको AP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है, फिर क्या और एंगल ये दे रखा है 60 डिग्री, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की ये हमको फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे भैया, देखो जब AP और PB इक्वल हैं भाई हमारे टेंजेंट्स हैं, तो AP क्या होगा PB के इक्वल होगा, AB PB के इक्वल होगा, तो हमने ये वाला एंगल मान लिया X, तो ये भी क्या होगा X, और ये हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं कि जो एंगल ड्रॉन फ्रॉम कॉर्ड आर इक्वल है ना, जो भी टेंजेंट से कॉर्ड से एंगल ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमने इससे पहले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, लेकिन यहां पे दोनों टेंजेंट गिवन है तो हमने क्या ले लिया दोनों इक्वल हैं, तो अब इन ट्राइंगल पी ए बी 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 60 यहां से आ जाएगा आपका बेटा 2x इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ से 2x 120 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बेटा 60 डिग्री, x की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। तो बेटा जब x 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तीनों एंगल 60, इसका मतलब ये क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ से पता चला जो ये वाला ट्राइंगल है वो क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती है जब ए पी 5 है, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो ये भी जो आपका जो कॉर्ड ए पी है ये 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इस क्वेश्चन को ये लोग देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इस क्वाड्रिलेटरल में एक सर्किल है, सर्किल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और हमको प्रूव क्या करना है, जो ए बी प्लस सी डी है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी, हमको प्रूव करना है। तो अगेन देखिए टेंजेंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो देखिए यहां से हम अगर देखें जो डी एस है वो किसके इक्वल है, आर डी के इक्वल होगा। डीएस किसके इक्वल होगा, आरडी के इक्वल होगा या डी आर के इक्वल होगा, इसको हमने इक्वेशन वन मान लिया। उसके बाद जो ए एस है वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए पी के इक्वल होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आ गया, जब उसके बाद हमने देखा जो सी क्यू है, सी क्यू जो होगा वो आर सी के इक्वल होगा, ये इक्वेशन थ्री हो गई। उसके बाद सी क्यू जो है वो हमारा, सी क्यू जो है वो आर सी के इक्वल है, तो जब सी क्यू आर सी के इक्वल होगा, हाँ सी क्यू हमारा क्या है, आर सी के इक्वल है। जब सी क्यू हमारा आर सी के इक्वल है, अब हमारा देखिए क्या बच रहा है, जो पी बी है, जो पी बी है वो बी क्यू के इक्वल होगा, पी बी जो होगा, पी बी जो होगा वो बी क्यू के इक्वल होगा, ये इक्वेशन फोर हो गई हमारी। अब हमने क्या किया, ये सारी इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये सारी इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। जब आप ये ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस पी बी इज इक्वल टू आर डी प्लस ए पी प्लस आर सी प्लस बी क्यू, ये आ जाएगा। तो डीएस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस ये क्या बना रहा है आपका, ए डी बना रहा है, और सी क्यू प्लस पी बी, सी क्यू प्लस पी बी। तो देखिए जो सी क्यू है, सी क्यू प्लस पी बी, अब जो ये पी बी अगर एक्स होगा तो ये भी तो एक्स होगा, तो अगर हम चाहे सी क्यू में पी बी ऐड करें चाहे क्यू बी ऐड करें, आएगा तो सी क्यू ना, तो हमने सी क्यू की जगह पे क्या रख दिया, पी बी की जगह पे क्या रख दिया, पी बी की जगह पे हमने रख दिया क्यू बी, है ना। तो जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाली पूरी साइड आ जाएगी प्लस सी बी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमको प्रूफ क्या करना, वही बनाना है यहां पर, है ना। तो ए डी प्लस सी बी हमारा बन गया ए डी, यहां तो सिंपल से दोनों ऐड हो रहा था, लेकिन इसमें क्या था, जो सी क्यू था, अब हमको सी बी बनाने के लिए या बी सी बनाने के लिए क्या चाहिए था, सी क्यू प्लस क्यू बी चाहिए था। तो यहां से हमने क्या किया, सी क्यू तो आ गया लेकिन ये पी बी आ रहा था, तो पी बी भी तो क्यू बी के इक्वल है, तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको या इनको ऐड करो या इनको या इनको ऐड करो, आएगा तो रिजल्ट सेम ना हमारा, तो हमने उसको ऐड कर लिया, तो हमारा यहाँ पे सी बी आ गया। इसी तरह देखिए जब आपने आर डी को RD और RC ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा CD, और AP प्लस BQ, अब AP प्लस BQ, देखो BQ अब वही चीज इसमें आ गई, अब AP में हम चाहे BQ ऐड करें चाहे BP ऐड करें, आएगा तो सेम क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो हमने AP और PB को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, AB आ गया, और यही रिजल्ट हमसे पूछा गया था। CBSE का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, 3-4 साल लगातार इसको पूछा है, उम्मीद है इस बार भी ये आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। पहले सारे टेंजेंट्स इक्वल कर दिए, सबको इक्वल किया, मनाने की एक पॉइंट हमेशा फंसेगा, तो वो फंस नहीं रहा है, वो हमको यही क्वेश्चन का मेन पार्ट है, अगर वो चीज नहीं देंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वही सोचने वाली चीज है कि भैया पी बी आ रहा है, पी बी, लेकिन हमको क्यू बी चाहिए, लेकिन पी बी तो क्यू बी के इक्वल है ना, हमने लिखा है यहाँ पे पी बी क्यू बी के इक्वल है, तो वो हमने वहां पर ऐड कर दिया, रिजल्ट तो सेम आएगा, वही चीज हमको यहाँ पे देखनी थी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, पॉइंट पी
टू टेंजेंट्स PS and PT आर ड्रॉन टू अ सर्किल सेंटर O एंड रेडियस R. इफ OP की वैल्यू 2R दे रखी है आपको, ये वैल्यू आपको 2R दे रखी है, ठीक है. फिर हमको ये प्रूफ करना है कि ये 30 डिग्री होगा, ये हमको प्रूफ करना है ये वाला एंगल को. OTS 30 डिग्री, OST 30 डिग्री. OTS होगा तो ये भी 30 होगा क्योंकि रेडियस के बीच में बन रहा है. तो ये जब 2R है, ये R है, तो हमारे पास अब देखिए क्या होना चाहिए कि हमको पता है कि इसकी वैल्यू 30 की बजाय हमने पहले x मान लिया, तो जब ये x है तो ये भी x होगा. अब हमारे पास ये वाला किसी तरह से एंगल आ जाए पूरा वाला. अब पूरा एंगल निकालने के लिए हम पहले ये इसकी बात करें, जब ये वाला एंगल आ जाएगा ना तो इसका डबल हो जाएगा वो. तो अब सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ओ टी पी में हम अगर देखें तो बेटा देखिए OTP में अगर आपने देखा तो अगर ये वाला एंगल आप ले रहे हो, ये वाला एंगल अगर आप ले रहे हो, इसको थीटा मान लिया है ना, थीटा एंगल अगर आप ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. ये बेटा जो 2R है ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर यहां से बन रहा है तो ये इसका बेस है, पीटी बेस है. तो अगर हमने OTP की बात करी तो इफ थीटा इज acute angle, if theta is acute angle, then अब देखिए हमारे पास जो OT है वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो जो OT होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बेटा. यही चीज है इन सब ट्राइंगल्स में, ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूस है और कौन सा बेस है. इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि जिसमें आपको आसानी हो. और PT जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और OP इज योर हाइपोटेन्यूस, ठीक है. तो अगर हम OTP की बात करें तो इसमें अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा अगर हम लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ जाएगा. तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस, है ना. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज R अपॉन 2R, ठीक है. तो अब हमने जब यहां पे देखा साइन थीटा बाई 2R, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, R से R कैंसिल हो गया, 1/2 आ गई, है ना. साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/2 आ गई. और थीटा 1/2, अगर थीटा हमारा 30 डिग्री होगा उसी केस में तो साइन की वैल्यू 1/2 होगी ना. तो यहां से जो थीटा हमने निकाला, थीटा कितना निकाल लिया, 30 डिग्री निकाल लिया. अब थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, तो 120 डिग्री हो गया. तो अब अगर हम देखिए थीटा यहां से क्या हो गया, 30, ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा 90 प्लस 30 इज 120, तो ये वाला एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा. तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, जो हमारा एंगल पी, हमारा टी ओ पी जो हमारा एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है. तो इसका मतलब है जो एंगल TOS है वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई. अब हम देखिए यहां से देखेंगे इन ट्राइंगल TOS की बात करेंगे, तो देखिए ये TOS में 120 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. भैया इसको तो हमने शुरुआत में ही x मान लिया था, ये भी x मान लिया था, दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस के बीच में है. तो 120 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x की वैल्यू यहां से 60 आ गई और x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, है ना. तो यही हमको प्रूफ करना था, इसकी वैल्यू आपके पास 30 आ गई और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. यही हमको इसमें प्रूफ करना था. तो बेटा बेसिकली देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में देखिए एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी, टेंजेंट इक्वल है. दूसरी क्या थी, कि जो टेंजेंट और रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है. ये दो चीज आप याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके इसी से हो जाएंगे. बस आपको फिगर अगर गिवन है तो फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहां से हमें क्या चीज मिल रही है, और अगर फिगर नहीं गिवन है तो फिगर बनाने की कोशिश करनी है. फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा. तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चंस डिस्कस किए ये आपके लास्ट ईयर आए थे, और इसमें से मैं आपसे कह सकता हूं कि जो दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं एज इट इज, है ना. तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से करिएगा, गो थ्रू करिएगा, ठीक है. और बहुत यही सारे जो क्वेश्चंस है इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में बनते हैं. तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. थैंक यू एवरीवन.